जो चीज़ें किसी आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर प्रेजेंस इन द सिटी दैट यू वर्क। अगर आप नई कंपनी है या नए प्रोफेशनल हैं और लोग आपको नहीं जानते, तो आपको वक्त लगेगा, वक्त 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल भी हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि इतने वक्त से कम में कोई ये चीज़ें अच्छी तरह से सीखता है। जो थोड़ा पुराना तरीका था सिखाने का, वो अब नहीं एप्लीकेबल, बिकॉज जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट से निकलते हैं तो आपको कोई 10-1% आता होता है। रियल टाइम चीज़ें जो कि किसी फर्म को आपसे चाहिए, वो आपको बहुत कम आती हैं। सो यू कैन डिज़ाइन एंड यू कैन विजुलाइज एंड यू कैन मे बी डू 3Ds एंड ड्रॉ प्लान्स एंड सेक्शंस, बट देयर इज अ लॉट मोर टू इट दैट अ फर्म रिक्वायर्स फ्रॉम यू टू नो फॉर देम for you to be any use to that firm, ठीक है। तो normally होता है कि फिर से education शुरू होती है और एक तरह की mini university होती है और आपकी फिर से training होती है with the fears that जैसे ही कोई खातून या साहब कोई समझ आएगी कि हाँ मुझे अभी आना शुरू हो गया, तो वो वहाँ से दौड़ जाएंगे, थोड़ी सी गलती होती है। सो जब आप for this is for young people who are recent graduates that put in the time, architecture on the first few years doesn't pay well at all, and it doesn't pay well because you don't know much, ठीक है। अगर आप बहुत सारी skills के साथ आए हों जिनमें कि आते ही firm को आप benefit देना शुरू कर दें, तो yes it's proportional to that, ठीक है। तो to begin with, I think one of the things that we are losing and we should not lose is your ability to draw. Agar if you draw well, it's an asset. If you don't draw well, please learn how to draw. Ye zaruri nahi hai ki wo aap hath se hi kare, lekin agar aapko aata hai to aap kam se kam apna 200% time bacha sakte hain, because jab aap kisi ko samjha rahe hain apne office mein या कोई कॉन्सेप्ट किसी 3D विजुलाइजर को समझा रहे हैं या अपने जूनियर स्टाफ को समझा रहे हैं या अपने बॉस को समझा रहे हैं या अपने कॉलीग को समझा रहे हैं या साइट पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को समझा रहे हैं, ठीक है। योर एबिलिटी टू ड्रॉ स्केच क्विकली विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप हाथ से ड्रॉ करते हैं और आप चीज़ें लेयर कर रहे हैं, ट्रेसिंग शीट्स लगा रहे हैं, you're saving every step so you can go back to step number 2, step number 3. ye computer pe bhi ho jata hai, aisa nahi hai ki aap har stage save nahi kar sakte, but us tarah se nahi hota jis tarah se tangible tarike se isme hota hai. You can always revert back and you can have those sketches, and during a meeting if a client or somebody says ki hum us wale pe chale jate ya is tarah nahi kar sakte, to aapke paas wo solution hota hai. So you're solving things by drawing, solve them by drawing. Once it's done, you can take it to a software which is appropriate. Software badalte rahenge, cross platform bahut sare software hain, SketchUp se Lumion ho jata hai, wo 3D Max mein chala jata hai, wo 3D printing kar sakta hai. Ye cheeze badalti rahengi, us waqt jo appropriate technology hai jo kam waqt mein aapko decisions le deti hai, उस तरफ जाएं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर्स आपको एनर्जी मॉडलिंग की ऑप्शन देते हैं उसको भी एक्सप्लोर करें, बट टू बी एबल टू ड्रॉ इज पैरामाउंट कि आपको वो स्किल आए कि आप क्विकली कोई स्पेस रिजॉल्व कर सकें, कोई डिटेल बना सकें, कोई स्केच समझा सकें। ये आपको सारी जिंदगी करना है जब तक आप आर्किटेक्चर के प्रोफेशन में हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज के जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो वर्बल स्किल्स हैं, ठीक है। आप अगर सिर्फ कंप्यूटर के सामने रहोगे और कंप्यूटर के थ्रू टाइपिंग के थ्रू कम्युनिकेट करोगे, यू विल लूज आउट ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ गेनिंग दी स्किल्स जो कि आपको चाहिए हैं
किसी क्लाइंट से बात करने के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के लिए, किसी वेंडर से बात करने के लिए और उसको कम्युनिकेट करने के लिए. सो एज मच एज यू कैन स्पीक टू पीपल, लर्न फ्रॉम पीपल, लर्न फ्रॉम योर कारपेंटर्स, लर्न फ्रॉम योर स्टील पीपल, मार्बल पीपल, ये लोग हैं जो जिनको आप अगर उस्ताद माने तो आप की कामयाबी है. बिकॉज पाकिस्तान उन कुछ मुल्कों में से है जहाँ अभी भी क्राफ्ट जिंदा है और लोग जो हैं वो विलिंग हैं नई नई चीज़ें बनाने के लिए. ठीक है, सो आप अपनी लर्निंग जो प्रोसेस है, जो आपकी जर्नी है, उसमें जितना मैक्सिमम आप साइट पे जाके समझ सकते हैं, स्टील कैसे बनता है, कंक्रीट कैसे पोर होती है, हनी कॉमिंग कैसे रुक सकती है, ड्राइंग कैसे पढ़नी है और उसको रैंडमली चेक कैसे करना है, गेजेस कैसे चेक करने हैं, सवाल पूछिए. ठीक है, बहुत 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज की स्टील शीट में बहुत कम फ़र्क होता है. एज एन आर्किटेक्ट आपको पता होना चाहिए. इसी तरह जो मटेरियल्स हैं आपके, लकड़ी है, आपको लकड़ी की किस्में सारी ही पता होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि लकड़ी की एक लॉग में से कितने फुट लकड़ी निकल सकती है, उसकी कॉस्ट क्या होती है पर क्यूबिक फुट, वो प्लैंक्स में कैसे ट्रांसलेट होती है, लकड़ी की कॉस्ट जब आप क्यूबिक फुट लेते हैं तो वो पर स्क्वायर फुट पे कैसे चली जाती है, लकड़ी जब फॉल सीलिंग में लगती है तो आप उसका रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी कैबिनेट में लगती है तो लकड़ी कंबाइंड विद MDF, कंबाइंड विद पॉलिश, आपको रेट निकालना आना चाहिए. अगर आपको नहीं आएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे. आप क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे तो आप किसी चीज़ की कॉस्ट नहीं कंट्रोल कर सकेंगे. आप कॉस्ट नहीं कंट्रोल करेंगे तो आपको हर दफ़ा क्लाइंट एम्बेरस करेगा कि नहीं भाई इसकी कॉस्ट तो ये नहीं है, इसकी तो ये बनती है, देखिए मैंने निकाल के दिखा दी, तो उसके पैसे लग रहे हैं. दे विल गो थ्रू दैट प्रोसेस. ठीक है, सो स्टील, ग्लास, जो वुड वर्क है, जो कैबिनेट वर्क है, जो जिस तरह डिफरेंट मार्बल्स की किस्म है, कुछ मार्बल्स सॉफ्ट हैं, कुछ हार्ड हैं, कुछ पीले हो जाते हैं मॉइस्चर के साथ साथ, there are a lot of variations. So try and find out about the different varieties of woods, marble, glass, imported, local, low E glass, what is performance glass, why is it performance glass, what possible performance it gives you. ठीक है, ये आपको knowledge होगी तो आप कोई बिल ऑफ क्वांटिटीज और स्पेसिफिकेशन पढ़ सकेंगे और आप उन रेट्स को ट्रांसलेट कर लेंगे. दैट नॉलेज एज एन आर्किटेक्ट एटलीस्ट आई फाइंड लैकिंग क्वाइट अ लॉट. थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है लेकिन सबसे क्रूशल है. मैं आपको वजह बता देता हूँ. अगर आपको ये नहीं आता तो आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं निकालते, रियल कॉस्ट. ठीक है, क्योंकि जब आप बोनी निकालते तो आपको एक प्रोजेक्ट की स्क्वायर फुट कॉस्ट नहीं पता चलती. जब नहीं पता चलती तो आपकी फ़ी डिटरमिन नहीं होती. आपकी फ़ी डिटरमिन नहीं होती तो आप अंडर वैल्यूड काम करते रहते हैं. बिकॉज अगर किसी चीज़ की कॉस्ट 6,000 है तो कोई भी कह देगा नहीं जी 4,000 है, आपकी परसेंटेज कम हो जाती है. सो टू जस्टिफाई टू अ क्लाइंट दैट दिस इज एंड टू स्टार्ट विद द फैक्ट ये चीज़ इतने की बनेगी अप्रॉक्सीमेटली 5-10% दिस वे और दैट वे इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सस्टेनेंस बिकॉज उसकी बेसिस पे आपकी फी डिटर्मिन होती है. प्रोजेक्ट टाइप, प्रोजेक्ट कॉस्ट, वट काइंड ऑफ मटीरियालिटी. सो इफ यू कैन से ये मैं स्पेक्स लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ एंड इसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आएगी, अगर आप ये शुरू में डिटर्मिन कर लेंगे तो प्रोजेक्ट में धोखा नहीं होता, क्लाइंट के बजट्स ऑफ रन नहीं होते और आपको पता होता है कि क्या आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉस्ट कम करनी है. ठीक है, और आपने इस प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है. सो द एबिलिटी टू स्केच एंड स्केच वेल, ठीक है, एंड क्विकली एंड टू रिजॉल्व बाय ड्राइंग, ठीक है, मोस्ट क्रूशल. सेकेंड, टू नो योर मटीरियल्स, गो टू वर्कशॉप्स, गो टू साइट्स,
ask questions, go to factories, how things are built, how you can reduce the cost of something without losing quality.